इस खूबसूरत धुन को सुनने के बाद यूं तो कलाकार के परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि म्यूजिकल हेरिटेज में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं वायलिन के साधक शरत चंद्र श्रीवास्तव से। शरत की दरअसल दो पहचान है। शरत लोकप्रिय बैंड मृग्या के लीड वायलिनिस्ट हैं। इसके अलावा एक शास्त्रीय कलाकार के तौर पर उनकी जबरदस्त पहचान है, मजबूत पहचान है, और वो एक पके हुए मझे हुए वायलिन साधक के तौर पर अक्सर शास्त्रीय कार्यक्रमों में नजर आते हैं। शरद, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही कि ये वायलिन की जो आपकी लंबी साधना है, ये शुरू कैसे हुई, वायलिन से आप जुड़े कैसे? ऐसा था, मतलब मेरी जो तालीम जो हुई है वो हमारे नाना जी से हुई है, और घर में ही बचपन से संगीत का माहौल था, तो मतलब 6-7 साल की उम्र से ही, मतलब नाना ने छोटा एक वायलिन था घर में, वो थमा दिया, और बचपन से ही हम देखते रहे। नाना जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे और घर में ही गाना बजाना चलता रहता था, तो एकदम से बेसिकली बहुत ही नेचुरल वे में वायलिन की विद्या शुरू हो गई। शरद, थोड़ा सा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वायलिन, ये कितना अलग है, इसकी क्या खासियत है, दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे कितना अलग है, इसका मूड क्या है? देखिए, ये वायलिन जो है, अगर आप देखें तो बेसिकली ये एक यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोइंग इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे यहाँ से गया था यूरोप आज से 1000 साल पहले, 700-800 साल पहले। तो बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में मोस्टली जब बजा शुरू में तो वेस्टर्न म्यूज़िक बजा, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक बजा, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आप मान के चलिए कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो अपने साथ ये इंस्ट्रूमेंट वापस लेके आए कलकत्ता में, तो यहाँ पे इंडियन म्यूजिशियंस ने वायलिन को पकड़ा और ऐसे पोजिशन से बजाना शुरू किया यात्रा में, दुर्गा पूजा में। तो वहाँ से धीरे धीरे देखा गया कि इसमें क्लासिकल म्यूज़िक बजाने का भी बहुत स्कोप है, तो नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह कर्नाटिक म्यूज़िक एंड नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में इसको यूज़ किया गया एज एन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट टू वोकल म्यूज़िक। तो वोकल म्यूज़िक में जब शुरुआत किया गया, उसकी संगत जब वोकल की होने लगी, पर धीरे धीरे लोगों ने सोचा, इसको समझा, और उसमें हमारे नाना जी का भी बहुत योगदान था, इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया, एक छवि दी एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट की। तब आप मान के चलिए अर्ली 20th सेंचुरी में वायलिन नॉर्थ में और साउथ में दोनों जगह एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट प्रचलित हुआ। और इसकी खास बात यह है, देखिए आजकल जितने भी वायलिनिस्ट नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में बजा रहे हैं, अधिकतर गायकी अंग बजा रहे हैं, लेकिन नाना जी ने एक अपना शुरुआत किया क्लासिकल म्यूजिक का स्टाइल, विच वॉज गतकारी एंड गायकी का मिश्रण। तो इसमें सरोद सितार की भी टेक्निक्स इन्वॉल्व है, वेस्टर्न बोइंग भी इन्वॉल्व है, और गायकी तो है ही, आलाप जिसे बोलते हैं। गायकी और गतकारी का जो मिश्रण है उसका, और एक हमारा जो एक और स्टाइल जो है जो हमारे घर में चला आ रहा है, ध्रुपद अंग का बजाना, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको।
शरद, अभी आप कर्नाटक म्यूजिक की बात कर रहे थे और आपने नॉर्थ इंडियन म्यूजिक की भी बात की। जो आम तौर पर देखने में आता है वो ये कि कर्नाटक म्यूजिक में तो फिर भी सोलो परफॉर्मेंस ज़्यादा नज़र आती है वायलिन की, नॉर्थ इंडिया में उतनी सोलो परफॉर्मेंस नहीं है, उतने कलाकार भी कम हैं शायद। अब वजह क्या है इसकी, ऐसा क्यों होता है, कुछ अगर आप इस पर जानकारी दे सकें तो। देखिए, मेरे ख्याल से सोलो इंस्ट्रूमेंट, इवन इन साउथ इंडिया सोलो इंस्ट्रूमेंट की पहचान तो बनी है, लेकिन साउथ इंडिया में वायलिन इज द मेन प्राइमरी अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट। अभी भी आप देखिए, गायन होता है या बांसुरी वादन भी होता है तो उसके साथ वायलिन अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे होता है। और हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में थोड़ा सा ये कहूँगा कि इसको जो है एक तरह से इसको एक छवि एज अ सोलो इंस्ट्रूमेंट की मैं कहूँगा कि बन चुकी है। बहुत सारे मतलब ऐसे ऐसे टॉप म्यूजिशियंस नॉर्थ इंडिया में रहे हैं जो कर्नाटक सीख के भी आए हैं और नॉर्थ इंडियन बजाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कारण ये है कि मतलब नॉर्थ इंडियन वायलिन को अपनाना और उसको सीखना विधिवत रूप से, जैसे सरोद और सितार कहते हैं, हमारे यहाँ ऐसे शिष्य कम हैं और इस तरह की तालीम को लेने वाले कम हैं। आपकी दूसरी पहचान के बारे में बात करते हैं शरद, आपका लोकप्रिय बैंड है मृग्या, जो बहुत ज़बरदस्त, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, वो दरअसल बना कैसे था, उसकी कहानी क्या है? मृग्या जो है, बस मैं ये कहूँगा कि उस टाइम कुछ स्टार्स ऐसे थे कि सारे लोग एक साथ जुड़े एट अ गिवन पॉइंट और बस संगीत बजाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। लेकिन इसमें यह था, हमारे जितने भी बैंड में अभी लोग हैं सब बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के, और हम लोग एक दूसरे को पुराने प्रीवियस बैंड से जानते हैं। जैसे मेरा परिक्रमा से, मैं परिक्रमा में था 12 साल तक, तो काफ़ी सारे लोग। तो हुआ क्या कि एक कॉन्सर्ट होना था 1999 में फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक का, और वहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स ऑफ म्यूज़िक ने हमारे जो तबला बजाते ज्ञान सिंह और जो ड्रमर हैं रजत कक्कड़ और यूफोरिया के जो ड्रमर हैं अश्विनी, इन तीनों को बोला कि आप लोग परकशन एंसेंबल या परकशन जैम आप स्टार्ट करिए, एक एक्ट तैयार करिए 1.5 घंटे का। तो इन लोग अपना वर्कआउट वगैरह कर रहे थे, तो मैं एक दिन ऐसे इनकी रिहर्सल पर चला गया और देखा तो ये लोग अपना 3 परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कर रहे थे। तो मेरे को थोड़ी देर सुना, मुझे लगा कि भाई अब 1.5 घंटे तक सिर्फ परकशन चलेगा, थोड़ा मेलोडी होना ज़रूरी है। तो मैंने सबसे बोला, मैंने कहा तुमको लगता नहीं कि अब यहाँ पर थोड़ा सा मेलोडी डाला जाए? तो रजत ने बोला ठीक है आप आ जाओ, वायलिन ले आओ। तो मैं फिर आया और फिर कुछ बजाना शुरू किया, तो कुछ बना। अब जब वायलिन आया तो हमको लगा अब गिटार भी होना चाहिए। अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया कॉन्सर्ट को, नया म्यूज़िक बनाना है। तो वो कहते रहे कि सब ऊपर से बस वो बन के आया था। तो बस उसके बाद जब गिटार की ज़रूरत पड़ी तो सोनम शेरपा परिक्रमा के गिटार प्लेयर वो आ गए, इंद्र नील हरिहरन फ्रॉम ऑरेंज स्ट्रीट वो आ गए। तो हम 6 लोगों ने जुड़ के उस 1 हफ्ते के अंदर 5 से 7 कॉम्पोजिशन बनाई उस शो के लिए, और कॉन्सर्ट हमने किया। और हमने सोचा था कि ये एक शो है, बजा दिया अब बस ठीक है। उसी टाइम दौरान जो फ्रेंड्स ऑफ म्यूजिक के ऑर्गेनाइजर संजॉय स्टेज पे आके मुझे बोलते हैं कि तुम अगले साल एडिनबरा जा रहे हो। तो बस वो जो एक शो के लिए हमने जो तैयारी की थी, और आज तक देखिए 13 साल हो गए, 14 साल हो गए, और पूरा वही वो जो गाने तब बने थे वो आज तक वैसे ही हैं। तो वो एक ऐसा मोमेंट था, ब्यूटीफुल मोमेंट था, जब एक सारा प्लानिटरी अलाइनमेंट की सारा संगीत सब दिमाग एक साथ जुड़ के हमने जो बनाया वो आज तक चल रहा है। मैं अगर आपसे ये पूछूं शरद कि आपका जो बैंड है उसकी यूनिकनेस क्या है, क्या ऐसा है जो उस बैंड को बाकी जो दूसरे बैंड हैं, जो तमाम बैंड्स की भीड़ हो गई है अब, उससे अलग करता है, और फैन फॉलोइंग जो है आपके बैंड की वो किस तरह की है? देखिए, यूनिकनेस तो ये है कि देखिए हमने जब बनाया उस 1 हफ्ते में जो संगीत, गंगा, पहाड़ी फंक, मितवा और डेकन क्वीन और रॉक द राग जैसे गाने हम बजा रहे, अच्छा राग बेस्ड फ्यूजन उस टाइम मेरे ख्याल से हमने शुरू किया था उस दौरान। उस टाइम रॉक बैंड्स होते थे, डेथ मेटल, सारे तरह के बैंड्स होते थे इंडिया में, लेकिन फ्यूजन वर्ल्ड म्यूज़िक का जो प्रॉपर बैंड है उस टाइम शायद नहीं होता था। तो जो एक साउंड हमने जनरेट किया विदाउट नोइंग कि हम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप में एक लाजवाब चीज़ थी। और इतने सुंदर सुंदर राग लिए, किरवानी लिया, यमन, बिहाग और आपका भैरव, बसंत बुखारी, तो इन सब राग, जोग, इन सब रागों में
जो एक चीज बन गई और उसके साथ जो वेस्टर्न माइंड जब जुड़ा उन मेलोडीज के साथ, आई थिंक इज द यूनिकनेस ऑफ दैट बैंड. कि एक एग्जांपल है, जैसे आपको फ्यूजन जो है अगर सही मायने में ना हो तो वो बहुत ही बुरा साउंड करता है. जैसे अगर मैं एक मेलोडी बजा रहा हूँ तो उसमें गिटार हावी ना हो जाए, ड्रम्स हावी ना हो जाए, उसके साथ एक बैलेंस बना के. जैसे आप दाल में खाने में अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो परेशानी है, नमक कम हो जाए तो परेशानी है. तो जो करेक्ट ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये मृगिया में फ्रॉम डे वन वो एक बस ऊपर वाले की भगवान का एक आशीर्वाद था कि ये हमने यूनिकनेस बरकरार रखी है. और अभी हमारी नई एल्बम आ रही है 2 महीने में, आप उसके भी गाने सुनिएगा, आपको वही फ्लेवर विद अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी सुनाई देगी. शरद, ये आप अपने आप को स्विच ऑन स्विच ऑफ कैसे करते हैं कि आज मुझे एक शास्त्रीय कलाकार के साथ मंच शेयर करना है जहां पर मुझे प्योर म्यूजिक जो है वो बजाना है, और एक जिसकी आम जो पहचान है बैंड्स की कि थोड़ा सा जैजी होगा, थोड़ा लाउड होगा, तो ये जब आप दोनों परफॉर्मेंस अलग अलग करते हैं किस तरीके से अपने आप को स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं इन दोनों परफॉर्मेंस के लिए? देखिए, मृगिया में भी मैं कोई जैज या कोई और स्टाइल नहीं बजाता हूँ. मेरी आइडेंटिटी मृगिया में भी वही है एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन. आप जितने भी कॉन्सर्ट सुनेंगे उस पर देखिए, मैंने अपने रागों से हटा नहीं होगा कभी आज तक. हम जो कुछ सीखा है नाना जी से, रागदारी जो सीखी है, जो तालीम ली है, वही निकल के आती है, चाहे वो क्लासिकल कॉन्सर्ट में आए, चाहे वो बैंड में आए, चाहे वो रॉक में आए, चाहे वो जैज में आए, जितने के साथ मैं कोलैबोरेट करता हूँ. तो अब जैसे कोई अरेंजमेंट ऑफ बिग बैंड अपने स्लोवेनिया में जैज के साथ सुना, तो वहाँ पे क्या है, वो जो मेलोडी सुनी और उसको मेलोडी को हमने रिलेट किया उस कॉरेस्पॉन्डिंग राग से, अच्छा ये जो है इस राग में बैठते हैं, तो वहाँ पे हमने अलाप और ताने वाने बजाना शुरू किया विद ड्रम्स. तो बेसिकली अगर मैं बजा रहा हूँ, सपोज एक तान बजा रहा हूँ, उसके साथ तीन तार ठेका चल रहा है, तो आप कहेंगे ये तो क्लासिकल हो गया. तबला हटा के वहाँ पे ड्रम्स आ जाएगा तो आप कहेंगे ये तो फ्यूजन हो गया. तान वही है, तो मैं नहीं चेंज हुआ, मतलब मेरी अच्छा भी वही रहेगी. शरद, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा था कि जो आम तौर पर आम लोगों की जो एक समझ है वो ये मान के चलते हैं कि बैंड का मतलब है कि कुछ कम जानकार संगीत के जो कम जानकार लोग हैं उन लोगों ने कुछ एक मिलके बैंड बना लिया होगा, वो कुछ ज़ोर ज़ोर से बजाते होंगे, बहुत ही लाउड किस्म का म्यूज़िक होगा, उस पर बहुत सारा वेस्टर्न म्यूज़िक का असर होगा, यानी कुल मिला जुला कर बहुत गंभीरता से बैंड के कलाकारों को नहीं लिया जाता. लेकिन अगर सच देखा जाए या तस्वीर का दूसरा, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, तो सच्चाई ये है कि कई बैंड ऐसे हैं आपके बैंड के अलावा भी जिसमें कलाकार ऐसे हैं जो अलग अलग उनकी पहचान है. अगर वो अलग से शास्त्रीय मंचों पर होते, शास्त्रीय संगीत के मंचों पर होते, तो वो किसी से कमज़ोर नहीं है. आपको लगता है कि कई बार ये जो बैंड होते हैं वो उससे जुड़े होने से जो आपकी शास्त्रीय संगीत से जुड़े होने की छवि है उसको नुकसान होता है? देखिए, अब हम लोग तो इस मामले में मैं कहूँगा बहुत फॉर्चुनेट है, क्योंकि मृगिया अभी हिंदुस्तान में एक ऐसा बैंड है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में परिपक्व है, पूरा पका हुआ है, चाहे वो ज्ञान हो तबले के, वो भी तालीम है, चाहे शुकृति हो, चाहे रजत हो, नील, सचिन, करण, सब लोग अपने सबको बैंड से हटा के आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे रख दीजिए तो कभी भी हल्के नहीं पड़ेंगे. ये लोग अपने आप में बहुत ही पके लोग हैं, और ये सब ग्रेट माइंड्स जब एक साथ मिलते हैं तो. और आपकी बात बिल्कुल सच है, अभी सुनने में ऐसा आ रहा है अभी बहुत फ्यूजन बैंड्स आ गए, बहुत रॉक बैंड्स बन रहे हैं घर घर में. मतलब मेरा, चलो मेरा बगल में अगर गिटार प्लेयर रहता है तो मैं उसके साथ बैंड बना लेता हूँ, ये ऐसा भी हो गया है. बैंड्स बहुत बन रहे हैं एंड यू कांट हियर दैट मैच्योरिटी ऑफ साउंड. तो अभी जो आदमी 20 साल सीख के बैंड बनाया और एक आदमी जो 5 साल सीख के बैंड बना रहा है, उसमें फ़र्क तो नज़र आएगा ही आपको, और आज की डेट में बहुत हो गया है. अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, हर बैंड बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो रहा है. वो हम एक ट्रेंड जो फ्यूजन था, फ्यूजन ट्रेंड से फिर वो वर्ल्ड म्यूजिक बन गया, उसके बाद वो पंजाबी ख़त्म हो गया, उसके बाद सूफी आ गया, उसके बाद सूफी रॉक आ गया. तो मतलब हर तरह का काम हो रहा है, हर चीज़ जो है आजकल जो है, मतलब चाहे वो कानों को अच्छी लगे ना लगे लेकिन बिक रही है, हमें उससे लेना देना है. हमारा जो साउंड है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हमने जिस चीज़ पे हमेशा बिलीफ रखा है, हम उस पे काम करते हैं. हमारे सॉन्ग्स मैं कहूँगा 100% कमर्शियल नहीं है, लेकिन जब भी आप सुनेंगे उसको तो आपको एक अलग ताजगी नज़र आएगी. और एक बात आपने जो बोला कि जो इमैच्योरिटी बैंड्स में नज़र आती है, एक साल हुआ था बैंड को बने, हम एडिनबरा फ्रेंच फेस्टिवल गए बजाने, वहाँ पर अमजद अली खान साहब आए थे अपने बच्चों के साथ, उन्होंने देखा और सबसे पहली चीज़ कॉन्सर्ट के बाद जब मुझे बोला कि शरद, सबसे पहला कंप्लीट फ्यूजन बैंड मैंने आज देखा है. मुझे पता नहीं था कॉन्सेप्ट क्या होता है फ्यूजन का, लेकिन आज देख के समझ आ गया, यू आर कंप्लीट इन योर ओन राइट. तो ऐसा कमेंट, ऐसे
बिग मास्टर से हमें मिला है ऐसे मतलब, तो आप देखिए और उससे हमारा प्रोत्साहन भी बढ़ा, तो इसलिए जो है हम लोग जो है अपना काम कर रहे हैं उसमें। शरद, म्यूज़िक आपने फिल्मों के लिए भी अभी कंपोज किया, और हम लोग के कॉमन एक मित्र हैं, उन्होंने फ़ोन करके भी आपसे कहा कि मैं पहचान गया कि क्या आपका ये आपका म्यूज़िक है। ये जो पहचान लेते हैं लोग आपके आपके अंदाज को, आप स्टाइल को, वो क्या ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है, वो ज़्यादा क्या उससे ज़्यादा संतोष मिलता है कि मेरी कला की अब एक पहचान हो गई, ये खास चीज़ मैं ही बजाता हूँ? बिल्कुल, ये तो मतलब वो है जैसे अब अमिताभ बच्चन की आवाज़ जो है मतलब पूरी दुनिया मानती है उनका लोहा, और लेकिन ये जो स्टाइल है मेरे को बहुत लोगों के पता चलता है जहाँ भी वो वायलिन सुनते हैं और एकदम से समझ जाते हैं कि हाँ ये मेरा हाथ है या नाना जी का हाथ है, वही जो परंपरा चली आ रही है, तो वो तो एक आप मैं कहूँगा ये तो एक ब्लेसिंग है। गिरिजेश ने मुझे उस दिन फ़ोन करके बोला कि अरे वो मंजू हाथ में आपका वायलिन है, तो मैंने कहा हाँ वो तो मैंने बजाया है, कहते देखिए मैं पहचान गया, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। हर एक इंसान की एक अपनी आवाज़ होती है, जैसे हमारी आवाज़ ये है और एक अंग होता है, वायलिन पर हाथ रखते ही पता चल जाएगा अरे ये तो शरद का हाथ, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है संगीतकारों के लिए कि उनकी एक पहचान बन रही है। शरद, हम बातचीत ख़त्म करें उससे पहले लालच आ रहा है कि आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप एक कोई और चीज़ हमें सुनाएं, और थोड़ा सा बताएं भी कि दरअसल आप बजा क्या रहे हैं। तो ये एक पीस मैं बजा रहा हूं राग बिहाग का, जो पहले आपको आलाप कर रहे थे उसी में एक बंदिश बन गई थी, तो उसी का मैं थोड़ा सा आपको झलक दिखा। शरद, आपने म्यूजिकल हेरिटेज के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने बैंड के साथ बहुत अच्छा म्यूजिक कंपोज करते रहें, फिल्मों के लिए काम करते रहें, और शास्त्रीय संगीत में जो आपकी छवि है, जो आपकी मजबूत छवि है, उसको आप और ज़्यादा मजबूत करते रहें। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शरद, जिनकी हमने बताया आपको कि दो पहचान है, विज्ञा के लीड वर्नलिस्ट के तौर पर, और उसके अलावा एक शास्त्रीय संगीत से जुड़े साधक के तौर पर। अगली बार एक और बड़े कलाकार के साथ, एक और नए कलाकार के साथ म्यूजिकल हेरिटेज में आपकी मुलाकात होगी, और एक बार फिर हम कोशिश करेंगे शास्त्रीय संगीत से अपनी जड़ों को पहचानने की। नमस्कार।